स्पॉन्सर्ड बाय श्री नटराज ऑयल्स, प्योर एडिबल ऑयल्स। सादगी से निकाली गई भगवान श्री कृष्ण की डोली, 142 वर्ष का इतिहास। श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली सादगी के साथ निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की डोली पर प्रसाद चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी। बताने चले कि भगवान श्री कृष्ण की डोली 142 सालों से लगातार नगर परिक्रमा करती आ रही है। जन्माष्टमी के बाद आने वाले रविवार को भगवान श्री कृष्ण की डोली की नगर परिक्रमा की जाती है, लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से श्री कृष्ण डोली सादगी से निकाली जा रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने बताया कि श्री कृष्ण डोली ऐतिहासिक है और दूर दराज क्षेत्र के लोग भगवान श्री कृष्ण की डोली के दर्शन के लिए आते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण की डोली की नगर परिक्रमा की जाती है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 142 साल से प्रथा है कि जिस हफ्ते में जन्माष्टमी होती है उसके आने वाले रविवार को गणेश जी की डोली पूरे मसूरी के भ्रमण के लिए निकलती है सर। पर 2 साल प्रभु की ऐसी इच्छा रही, कोरोना का कारण रहा, जो भी कारण रहे, हम पूरी तरह से नहीं निकाल पाए। अब कोरोना के गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हम घंटाघर तक गणेश जी की डोली के साथ में जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे। पिछले 142 वर्षों से श्री कृष्ण जी की नगर परिक्रमा का कार्यक्रम निरंतर रूप से चालू है। श्री कृष्ण इस दिन ये माना जाता है भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और ये 142 सालों से निकल रही है, लेकिन इस साल भी और पिछले साल भी ये कार्यक्रम, ये डोली होती है, ये कन्हैया जी की डोली होती है, इसमें विराजमान होकर कन्हैया जी नगर भ्रमण करने निकलते हैं। और पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी कोरोना के कारण सांकेतिक रूप से किंतु धार्मिक रूप के साथ ये डोली घंटाघर तक जाएगी और घंटाघर से हम वापस आएंगे। हाँ, इसमें हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और सरकार के जो भी मानक है उसके रूप ही कार्य किया जा रहा है।